सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आजमगढ़ जनपद के मुबारक विधानसभा के AIIM के प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमानी ने कहा कि लोगों के अपार जनसमूह समर्थन को देख विपक्षी दल परेशान हो गए। इस बार जनता जनार्दन मेरे क्रियाकलापों को भली भांति जानकर मेरे समर्थन में उमड़ पड़ी है। जनता का प्यार देखकर मैं आज अपने आप को मुबारकपुर से तीसरी बार विधायक बनूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग कहते हैं सपा बसपा भाजपा का अपना अपना बेस वोट है, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मेरे पास अपना अपार जनता का जन समूह है। इस बार मुबारकपुर विधानसभा में AIIM का परचम लहराएगा। आने वाले वक्त में आजमगढ़ जनपद में AIIM सभी दलों को पीछे छोड़ देगी। यह सेकुलर विचार वाली पार्टी है, सभी जाति धर्म को सम्मान के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे 1,22,000 जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब नेट पे जाके देख लें, ये मेरा आकलन नहीं है, नेट पे भी होगा, हो सकता है या तो 62 के बजाय 65 मुस्लिम 1,22 और या तो इसी समाज 80,000 के आसपास, अब वो 1,000 कम हो 1,000 ज्यादा। ऐसी समाज में ये भी हमें समझना पड़ेगा कि उसमें हमारा सोनकर भाई भी और हमारा पासी समाज भी उसी में आता है, और हमारे धोबी भाई भी जो होते हैं वो SC ST वगैरह सब मिला के, मतलब शुद्ध जिसको हम कहते हैं SC, जिसको हम वो मेरा ख्याल है 10,000-15,000 उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या मिला के। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, हालांकि ये बात कहने का मेरा वो नहीं है। आप जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास इतना बेस वोट है, मेरे पास इतना बेस वोट है, मेरे इतना बेस, अगर आप अपने बेस वोट पे लड़ते हैं तो MLA तो छोड़ दीजिए, आप प्रधान ही नहीं जीत पाते। आप अपने घर से दूसरे के घर में घुसे और आप ये हमारे वोटों को कहते हैं कि हमारा बेस वोट, हमारा बेस। जब मैं BSP से लौटता था तब भी मुझे लगभग सारी चीजों के बावजूद मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन सच को हमेशा बोलना चाहिए। हमारा मुस्लिम भाई बहुत दिल खोल के नहीं BSP को वोट करता था, यही सच था। वरना जब करही साहब लड़ते थे तो पूरी विधानसभा में 1,000-2,000 जाते जाते दम तोड़ देते, लेकिन मेरे मुसलमान या मेरी मोहब्बत में उन्होंने वो सीमा तोड़ा और वो सीमा बढ़ के चली गई 30,000-35,000 तक। क्योंकि जब मैं पहली बार तो मुझे 51,000 मिला, जब मैं पार्लियामेंट लड़ा तो मुझे 65 मिला, और जब मैं लास्ट में लड़ा तो 71। तो ये सारे वोट मुझे बढ़े। हाँ, ये बात सही है कि वो खाली मुस्लिम समाज के नहीं बढ़े थे, सब समाज से मिले, हमारे हिंदू भाइयों ने दिया, बैकवर्ड ने दिया, सब ने दिया। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आज की डेट अगर कोई हमसे कहता है कि मेरा बेस वोट ये है, तो मैं भी पूरी चुनौती देके कहता हूं कि मैं 40,000 वोट से ऊपर खड़ा हुआ। नारे के लिए नहीं कह रहा, जब मैं मंच पर रहूंगा